से अपना कर्तव्य निभाते हैं, वे हरियाणा के कर्मयोगी हैं, यानी वे जागृत कर्तव्य के साथ काम करते हैं। एक हरियाणा कर्मयोगी वह है जो सेवा भाव से काम करता है, जो नागरिकों के प्रति संवेदनशील है, मानवीय संवेदना के साथ काम करता है, जो अपने काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, यानी कर सकने की इच्छा शक्ति, जो नागरिकों की समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि काम की गुणवत्ता अच्छी है, जो हमेशा राज्य के कल्याण और नागरिकों के कल्याण के लिए काम करता है। यही बात है जो हरियाणा के कर्मयोगी को अलग और अनोखा बनाती है। कुछ लोगों का आत्मबल अवरुद्ध या बाधित होता है और वे इस आत्मबल को अपनी भूमिका और कर्तव्य से अलग रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों का आत्मबल उन्मुक्त और अबाधित होता है और यह हमेशा उनकी भूमिका और कर्तव्य में प्रवाहित होता रहता है और उनके काम करने के तरीके पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इन दो दृष्टिकोणों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आइए जानें। जब आत्मबल अवरुद्ध या बाधित होता है तो वे काम से बचने या कम से कम काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वे ऐसे सोच सकते हैं कि कोई भी काम करना जोखिम भरा है, अगर काम करेंगे तो वे मुझे और काम देंगे। लेकिन जब आत्मबल उन्मुक्त और अबाधित होता है तो वे कामों में सक्रिय भागीदारी करते हैं, स्वामित्व और सेवा भाव के साथ काम करते हैं और सभी कार्यों में श्रेष्ठता, उत्कृष्टता और गुणवत्ता पर ध्यान देने का दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे में वे सोचते हैं कि यह किसी की मदद करने का एक अच्छा मौका है, या जब वे अच्छा काम करते हैं तो उन्हें खुद पर गर्व होता है कि हम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जब आत्मबल अवरुद्ध होता है तो हर चीज को टालने की आदत बन जाती है कि नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। वे ऐसा सोचते हैं कि मैं असहाय हूँ, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मेरे पास करने की क्षमता नहीं है, मेरे पास यह करने के लिए साधन नहीं है। लेकिन जब आत्मबल अबाधित और उन्मुक्त हो जाता है तो उनके पास हर चीज के प्रति कर सकते हैं वाला रवैया होता है। उन्हें लगता है कि हम यह कर सकते हैं, हम अपनी टीम के साथ चर्चा करके कोई समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, हम किसी नई चीज या कौशल को सीखने के लिए अपना थोड़ा समय दे सकते हैं, हम किसी भी तरह चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उनका हल निकाल सकते हैं। जब आत्मबल अवरुद्ध या बाधित होता है तो वे नागरिकों के साथ चेहरा भी ही व्यक्तित्व के रूप में व्यवहार करते हैं। लेकिन जब आत्मबल अबाधित हो जाता है तो वे नागरिकों के साथ मानवीय तरीके से पेश आते हैं और व्यवहार करते हैं और लोगों के साथ उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को समझते हैं और उनको सेवा प्रदान करते हैं। जब आत्मबल अवरुद्ध या बाधित होता है तो वे लोगों के साथ उनकी पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति, शक्ति के आधार पर ऊंचा या नीचा व्यवहार करते हैं। लेकिन जब आत्मबल अबाधित हो जाता है तो वे सभी नागरिकों को बराबरी से देखते हैं और उनकी चिंताओं पर ध्यान देते हैं, उनकी पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक की ठीक ढंग से सेवा करते हैं। संक्षेप में, जब हमारा आत्मबल अबाधित हो जाता है तो हम जागृत कर्तव्य के साथ काम करते हैं। ऐसे में हम अपनी सभी भूमिकाओं को अच्छी तरह से निभाते हैं
और समाज में सकारात्मक रूप से योगदान कर पाते हैं। साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि जो अपने आत्मबल को अबाधित करते हैं, वे लोग खुद को भी अंदर से मजबूत महसूस करते हैं और किसी भी स्थिति या चुनौती से सकारात्मक तरीके से निपटने में सक्षम होते हैं। हरियाणा कर्मियों की कैसे कार्य करते हैं? इन स्थितियों में सबसे पहले कर्मयोगी यह पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। सामान्य कर्मचारी को लग सकता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे सोचते हैं, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, नियम तय हैं, हम नागरिकों की सेवा कैसे कर सकते हैं? लेकिन कर्मयोगी जानते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, इसका विकल्प हमारे भीतर है। वे सोचते हैं, मैं संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकता हूँ, मैं चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकता हूँ, मैं सेवा भाव से सेवा करना चुन सकता हूँ। दूसरे, हरियाणा कर्मयोगी अपने लिए खुले विभिन्न मार्गों की कल्पना करते हैं। हम सेवा भाव से कार्य कर सकते हैं, नागरिक और राज्य के हित के लिए, या श्रेयस का मार्ग है, या हम नागरिकों और हरियाणा राज्य की कीमत पर अपने तात्कालिक लाभ के लिए कार्य कर सकते हैं, यह प्रेयस का मार्ग है। श्रेयस का मार्ग सभी के कल्याण की ओर ले जाता है, जबकि प्रेयस का मार्ग हमारे अल्पकालिक व्यक्तिगत लाभ की ओर ले जाता है। इन दोनों मार्गों में से हरियाणा कर्मयोगी श्रेयस का मार्ग चुनता है। और अंत में हरियाणा कर्मयोगी अपने चुने हुए विकल्प पर कार्य करते हैं, साहस और अपनी अच्छाई में विश्वास के साथ।